नमस्कार दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए तो आपके शरीर में काफ़ी सारे रोग जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे स्किन की कुछ बीमारियां, बालों का कमज़ोर होकर झड़ना, नाखूनों का टूटना, ब्लड के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाना, या दिल की कुछ बीमारियां, या जो डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। और भी कौन कौन सी बीमारियाँ विटामिन ई की कमी से देखने को मिल सकती हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। और हम बात करेंगे अगर विटामिन ई की आपके शरीर में कमी है तो उसको किस प्रकार जो है वह पूरा किया जा सकता है, और खाने की किन किन चीज़ों में भी जो विटामिन ई होता है वह प्रचुर मात्रा में होता है, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो किस प्रकार आपके शरीर में जो है विटामिन ई की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वैक्सीन और की होम्योपैथिक मेडिसिन बिटा ई के बारे में, और इस वीडियो में जानेंगे और किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो विटामिन ई होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है और इसमें एंटी ऑक्सीडेंट तत्व काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों जो विटामिन ई होता है अखरोट में, बादाम में, अंडा अंडा में और वनस्पति ऑयल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे वनस्पति ऑयल, सोयाबीन का तेल हो गया या सूरजमुखी का तेल, और काफ़ी ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है जैसे पालक में या फिर एलोवेरा जैसी चीज़ों में भी ये पाया जाता है। दोस्तों आजकल का जो खान पान है वो इस प्रकार का हो गया है कि शरीर में विटामिन ई की कमी जो है वो हो ही जाती है। दोस्तों अगर आप खाने में विटामिन ई का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिटा ई कैप्सूल, जो वैक्सीन होम्योपैथी द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों जो बिटा ई कैप्सूल होता है देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, और अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो दोस्तों 30 कैप्सूल की पैकिंग होती है और जो इस पर MRP आती है वो 235 रुपये MRP आती है। दोस्तों बात करेंगे इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, आपको बता ही चुका हूँ वैक्सीन होम्योपैथी द्वारा इसको मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन ई के फायदे के बारे में, या बिटा ई कैप्सूल जो होते हैं इसके फायदे के बारे में और किन किन कंडीशन में आप इस बिटा ई कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पहला यूज है स्किन की कुछ बीमारियों में, जैसे स्किन का सूखा होना, ड्राइनेस रहना, या जो आपकी स्किन है उसमें झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं, आप कम उम्र में ही बूढ़े जैसे देखने लगे हैं, या आपकी जो स्किन है उसमें नमी गायब हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस अगर बिटा ई कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। या वो अगर बात करें इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों बालों की कुछ समस्याओं में, जैसे अगर आपके जो बाल हैं वो हल्के हो गए हैं, थिन या पतले हो गए हैं, आपके बाल पतले होकर झड़ने लगे हैं, तो बालों को झड़ने से रोकने के लिए भी आप विटामिन ई या फिर बिटा ई कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज़ है अगर आपका जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, चिकनाई की मात्रा बढ़ गई है, तो उसको कम करने के लिए भी आप बिटा ई कैप्सूल का या फिर विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है, शुगर की समस्या है, तो शुगर को कम करने के लिए भी आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों अगर आपको दिल की कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे आपका जो BP है वो ज़्यादा रहता है, तो उसको कम करने के लिए भी आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो विटामिन ई होता है दिल की कुछ बीमारियों से आपको बचाता है, जैसे हार्ट अटैक का खतरे को यह कम करता है और अगर सर कैंसर के खतरे को भी यह कम करता है। अगर बात करें इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों जो विटामिन ई का अगला यूज़ है दोस्तों, अगर आपको नाखूनों की समस्या, आपके जो नाखून है वह टूटने लगे हैं, या फिर आपके जो नाखूनों की कुछ बीमारियाँ होती हैं उनमें भी जो विटामिन ई होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज़ होता है अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो दोस्तों जो विटामिन ई होता है RBC को बढ़ाने में मदद करता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको बनाने का काम जो होता है वो इसी का होता है। अगर आपकी जो स्किन है उसमें जो स्किन की सेल्स होती हैं वह टूट टूट रही है, या आपकी जो स्किन है उसमें टैनिंग भी जमा है, तो उसको निकालने का काम भी जो होता है विटामिन ई वो करता है। तो दोस्तों आपने जाना जो विटामिन ई होता है आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप इसको खाने के रूप में नहीं ले पा रहे हैं, खाने में जैसे अपने आहार में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिटा ई कैप्सूल के जरिए अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है
तो उसको आप इसकी सहायता से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, जो बीटा ई कैप्सूल होते हैं इसकी कितनी मात्रा आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो विटामिन ई की जो नॉर्मल मात्रा है आपको करीबन एक दिन में 14 से 15 मिलीग्राम आपको लेनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान करीबन 19 मिलीग्राम की मात्रा जो है आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो कैप्सूल है इसमें पूरी मात्रा इसकी विटामिन ई होती है। अगर आप एक कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 14 से 15 मिलीग्राम आपके शरीर में जो विटामिन ई होता है वो चला जाता है। तो इसलिए आप अगर रोज़ाना इसका एक कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको विटामिन ई की जितनी मात्रा शरीर में जानी चाहिए उतनी पूरी चली जाती है। अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो अगर आप विटामिन ई का बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे दोस्तों ये जो विटामिन ई होता है रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है। अगर इसकी बहुत ज़्यादा अगर मात्रा ले लें तो जो खून होता है वह खून को पतला भी कर देता है। इसलिए अगर आपको कभी चोट लग जाए तो वह आसानी से जो खून है वह जमता नहीं और एक्स्ट्रा निकलता रहता है। तो दोस्तों जहाँ इतने फ़ायदे हैं विटामिन ई के, तो थोड़े नुकसान भी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना विटामिन ई कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है और थोड़े बहुत इसके नुकसान भी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।